प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में चल रहे स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित करने आज पहुंचे और उन्होंने कहा कि देश 2047 के विकसित भारत के रोडमैप पर काम कर रहा है। ऐसे समय में स्टार्टअप महाकुंभ का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि बीते दशकों में भारत ने आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और 1.25 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं जो 12 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए रोज़गार पैदा करते हैं। देश में 110 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हैं। हमारे स्टार्टअप ने 12,000 से ज़्यादा पेटेंट रजिस्ट्रेशन भी करवाए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के पास 45% स्टार्टअप की कमान है। हर कोई अपने इनोवेशन को बड़े गर्व के साथ दिखा रहा था और यहां आकर किसी भी भारतीय को लगेगा कि आज के स्टार्टअप को नहीं बल्कि कल के यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न को देख रहे हैं। साथियों, भारत आज अगर ग्लोबल स्टार्टअप स्पेस के लिए नई उम्मीद, नई ताकत बनकर उभरा है तो इसके पीछे एक सोचा समझा विजन रहा है। भारत ने सही समय पर सही निर्णय लिए, सही समय पर स्टार्टअप्स को लेकर काम शुरू किया। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स इसका नेतृत्व महिलाएं कर रही है, नारी शक्ति कर रही है। इस ताकत का कोई अंदाज नहीं लगा सकता जी। ये पूरा एडिशनल बेनिफिट है देश को। हमारी बेटियां कटिंग एज इनोवेशन से देश की समृद्धि की तरफ ले जा रही है जी। साथियों, इनोवेशन का ये कल्चर विकसित भारत के निर्माण के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, विश्व के बेहतर भविष्य की बात मैं कर रहा हूं और मेरी ताकत पर नहीं, आपके सामर्थ्य पर मेरा भरोसा है। प्रधानमंत्री ने इशारों में राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं और राजनीति में ये बहुत ज्यादा होता है। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं, और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा। और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुम दूसरे पर चले जाते हैं। हम यहाँ पर स्टार्टअप महाकुंभ पे हैं। ये याद रखिए, सबसे बड़ा उत्सव है भारत में जो हो रहा है भारत के स्टार्टअप्स को सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पर हमने देखा है कि स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स सब एक ही छत के नीचे आ रहे हैं और ये एक फर्स्ट ऑफ अ काइंड रैली, पहली बार जो है भारत इसमें एक स्टेप ले रहा है, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा है। याद रखिए कि भारत में अब हमने देखा है कि टियर 2 टियर 3 शहरों में भी जो यूथ है, जो युवा है वहाँ पर, वो इस इनोवेशन ड्राइव को लीड कर रहे हैं। स्टार्टअप का मतलब पहले खाली बेंगलुरु होता था, लेकिन जैसे कि
प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, अब हम स्टार्टअप कल्चर जो देख रहे हैं वो पूरे ही भारत में स्प्रेड देख रहे हैं, 600 डिस्ट्रिक्ट से भी ज़्यादा जहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप ड्राइव जो है बहुत ही ऊंचाइयों पर जा रहा है। याद रखिए भारत में अभी 1 लाख से भी ऊपर स्टार्टअप्स हैं, 1.15 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, और भारत में अभी हम इनोवेशन का जो ड्राइव देख रहे हैं कि महिला जो हैं वो भी एंटरप्रेन्योरशिप लीड कर रही है, हम देख रहे हैं इससे युवा जो है काफ़ी जॉब क्रिएशन जॉब जनरेशन कर रहे हैं। तो इस उत्सव के दौरान हम जो देख रहे हैं कि सारे ही इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स जब साथ में आ रहे हैं तो ये उत्सव जो है एक मैसेज है, एक संदेश है पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को कि देखिए भारत जो है इनोवेशन को बहुत सीरियसली ले रहा है और भारत जो है अपनी इनोवेशन रैंकिंग को भी जो है बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ साक्षी बजाज, NDTV इंडिया के लिए।